हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे आई पैरी एवरीथिंग के एपिसोड नंबर 7 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नॉर उस मेंढक वाले मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन तभी इनके सामने एक अनजान आदमी आ जाता है जो कहता है कि रोलो ने डिलीवरी खराब कर दी है, अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। नॉर बोलता है कि ये डिलीवरी मैंने खराब की है और इसके लिए वो माफी भी मांगता है। वो आदमी बोलता है कि उसे डिलीवरी से कोई मतलब नहीं, वो तो यहाँ इस बच्चे को लेने आया है। अब ये आदमी अचानक ही गायब होकर रोलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर अपनी तलवार से उसका हमला रोक देता है। इनस लीन को लेकर इनसे दूर हो जाती है। ये आदमी जिसका नाम जाडू है, नॉर से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, ये बच्चा बहुत कीमती है और जाडू को इसे वापस लाने का काम मिला है, जिंदा या मुर्दा। नॉर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जाडू फिर से रोलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर उसे पैरी कर देता है जिसमें जाडू की ब्लेड टूट जाती है। वहीं लीन सोच रही थी कि ये दोनों इतनी स्पीड से लड़ रहे हैं कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। जाडू अब अपनी दूसरी ब्लेड्स निकाल कर नॉर पे अटैक करता है, पर नॉर सारे अटैक्स ब्लॉक कर रहा था। अब जाडू के अगले अटैक से नॉर बहुत पीछे खिसक जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि इतने छोटे चाकू ने मुझे इतना दूर धकेल दिया। ये आदमी तो शायद उस सांड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे नॉर सबसे पहले लड़ा था। जाडू अब फिर से नॉर पर अटैक करने लगता है और उससे बचना नॉर के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस तरह तो वो जल्द ही थक जाएगा। इनके अटैक इतने पावरफुल थे कि इनकी शॉक वेव इनस और लीन तक भी जा रही थी। इनस अब एक शील्ड बना लेती है और लीन को उसके पीछे रहने का बोलती है, वरना उन दोनों की लड़ाई में इनकी बैंड बच जाएगी। इनस पहचान गई थी कि ये आदमी कौन है। ये और कोई नहीं बल्कि डेड मैन जाडू है, जो कि पहले एस रैंक का एडवेंचरर हुआ करता था। इनस एक दिन सोवरेन 6 के पास पूछने गई थी कि आखिर ये जाडू कौन है। मास्टर ने उसे बताया था कि डेड मैन जाडू बहुत कम उम्र में ही एस रैंक एडवेंचरर बन गया था। गिलबर्ट उससे लड़ने की बात करता है तो सभी मास्टर उसे मना कर देते हैं, क्योंकि जाडू इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे कोई भी नहीं लड़ सकता। पहले ही कई लोग उससे लड़ने में शहीद हो चुके हैं। उसने बचपन में ही एक पावरफुल स्किल मास्टर कर ली थी और 13 साल की उम्र में ही उसे ड्रैगन स्लेयर का नाम मिल गया था। उसके बारे में विदेशों में भी खबरें फैल गई थी और उसके जितना खतरनाक एडवेंचरर और कोई नहीं था। लेकिन जाडू अपनी स्किल्स हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल नहीं करता। उसने एक बार मर्चेंट फैमिली के 36 लोगों को मार दिया था। जाडू को अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, उसे बस पैसे मिलने चाहिए, फिर वो कुछ भी कर सकता है। जैसे एक बार एक क्लाइंट के कहने पर उसने अकेले ही दूसरे देश की पूरी आर्मी को मार डाला था और फिर सारी रॉयल फैमिली का भी मर्डर कर दिया था। उसके सिर पे इनाम रखा गया, लेकिन जितने भी लोग जाडू को मारने जाते वो जिंदा वापस नहीं लौटे। अब और लोग अपनी जान ना गवाएं इसीलिए गिल्ड ने जाडू को मरा हुआ घोषित कर दिया था, इसीलिए इसे डेड मैन जाडू कहा जाता है। खैर, अब नॉर की तलवार के सामने जाडू के चाकू टूटते ही जा रहे थे, वो भी जो मिथ्रिल और ड्रैगन टीथ से बने थे। जाडू को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। वहीं नॉर उसके चाकू तोड़ने के लिए माफी मांगता है और उसके लिए पैसे देने को भी तैयार हो जाता है। जाडू कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, पर तुमसे भी अजीब तुम्हारी ये तलवार है। अब जाडू अपना अल्टीमेट हथियार उठाता है जो कि एक सिल्वर क्रॉस था। ये क्रॉस हजारों तलवारों में बिखर जाता है जो कि पलक झपकते ही एक पूरी सेना को मार सकते हैं। जाडू नॉर से कहता है कि तुम जितनी चाहो तलवारों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि मैं आसानी से और बना लूंगा। अब ये सारी तलवारें एक साथ नॉर की तरफ आती हैं। नॉर उन सबको पैरी नहीं कर सकता था, तो वो खुद रोलो को बचाने उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे कुछ तलवारें उसके शरीर पर लग जाती हैं। इनस समझ जाती है कि इस तरह तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। इनस अब उनकी मदद करने का सोचती है, लेकिन उसकी ड्यूटी तो सिर्फ लीन को सुरक्षित रखना है। वो अब लीन से परमिशन मांगती है कि क्या वो इस बैटल में नॉर की मदद कर सकती है, और लीन हाँ कर देती है। इधर नॉर मरने ही वाला था, लेकिन इनस डिवाइन शील्ड से उसे बचा लेती है। इनस अब अपनी शील्ड से जाडू पर अटैक करती है, लेकिन वो पंछियों की तरह हवा में उड़ने लगता है और उस पर इनस के अटैक का कोई असर नहीं होता। इनस नॉर से कहती है कि वो डिफेंस संभाल लेगी, लेकिन नॉर
और को ही उसे खत्म करना पड़ेगा। नॉर सोचने लगता है कि हवा में उड़ती हुई हजारों तलवारों का वो क्या कर सकता है, लेकिन वो बचपन में पत्थर मार के चिड़िया गिरा देता था। अब नॉर को उस मॉन्स्टर के दांत पड़े मिलते हैं जो कि लड़ाई के दौरान टूटे थे। अब वो दांत को उठा लेता है और इनस को कहता है कि शील्ड को थोड़ा खोल दे। नॉर अब पूरी ताकत से उस दांतों के टुकड़ों को तलवारों की तरफ फेंकता है, जिससे वो तलवारें टूट जाती हैं। नॉर अब ऐसा ही करता रहता है और तलवारों को डिस्ट्रॉय करता जाता है। जाडू अब चुपके से इनस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर उसे बाल बाल बचा लेता है और जाडू का एक और चाकू तोड़ देता है। जाडू को समझ नहीं आता कि नॉर ने यह अटैक कैसे ब्लॉक किया, साथ ही ये चाकू एडमेंटाइट का बना था तो नॉर ने इसे तोड़ा कैसे। नॉर फिर से उससे माफी मांगता है और बोलता है कि ऐसे अटैक करोगे तो तोड़ूंगा ही। जाडू समझ गया था कि नॉर और उसकी तलवार में कुछ तो गड़बड़ है। जाडू कहता है कि मैं अब तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे सारे चाकू टूट गए हैं। जाडू ये भी बताता है कि राजधानी में तो अब तक सेलिब्रेशन शुरू हो गया होगा, पर जाडू अब उसे देखने नहीं जा पाएगा। इनस पूछती है कि राजधानी में कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा है। जाडू उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो नॉर से कहता है कि तुम बहुत अजीब हो। फिर वो रोलो से कहता है कि तुम काफी लकी हो, वरना अब तक तुम्हें मारकर मैंने अच्छे पैसे कमा लिए होते। जाडू अब चुपके से एक और बार रोलो को मारने का ट्राई करता है, लेकिन नॉर फिर से उसके अटैक को पैरी कर देता है। जाडू समझ गया था कि नॉर के सामने वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो यहाँ से गायब हो जाता है। ये लोग अब सोचने लगते हैं कि राजधानी में क्या हो रहा होगा। नॉर कहता है कि क्यों ना हम चलकर ही देख लें, हम इतना दूर भी नहीं आए हैं और वैसे भी हम रोलो को मिथ्रा नहीं ले जा सकते, तो उसे राजधानी लेकर चलते हैं। रोलो अब राजधानी की बात सुनकर डर जाता है और पूछता है कि क्या तुम सब लोग राजधानी से आए हो। नॉर पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। रोलो कहता है कि तुम वापस नहीं जा सकते, उसने सुना था कि जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है वो राजधानी पर हमला करने भेजा गया है। वो मॉन्स्टर पूरे शहर का नामो निशान मिटाने जितना पावरफुल है। ब्लैक डेथ ड्रैगन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लीन को यह सुन चिंता होने लगती है और वो इनस से कहती है कि जल्दी वापस राजधानी चलो। इनस कहती है कि उसके भाई ने लीन को सुरक्षित जगह ले जाने को कहा था। लीन कहती है कि मैं जानती हूँ, पर वो ऐसे पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। इनस अब लीन की बात मान लेती है, लेकिन उसे हमेशा इनस के साथ रहना होगा। नॉर रोलो से पूछता है कि वो क्या करेगा, जिस पर रोलो कहता है कि वो राजधानी चलने को तैयार है, शायद वो इनके कुछ काम आ सके। लीन सोचती है कि नॉर का दिल इतना बड़ा है। वहीं नॉर सोच रहा था कि काश उसे वो मेंढक खाने को मिल जाता, मजा ही आ जाता। खैर, ये लोग घोड़ा गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगते हैं। लीन को राजधानी की चिंता हो रही थी, वहीं नॉर रोलो को बाहर जंगली घोड़े दिखाता है। इधर राजधानी में हम प्रिंस रेन को देखते हैं, जिसे सेनापति आकर बताता है कि सभी आम लोगों को यहाँ से खाली करवा दिया गया है। सभी सिक्स सोवरेंस ने मिलकर काफी मॉन्स्टर्स को मार डाला है, लेकिन हमें अब तक दुश्मन देश की सेना नहीं दिखी है। रेन सोचता है कि शायद वो हमारे थकने का इंतजार कर रहे होंगे और वो जरूर कोई बड़ा अटैक करने वाले होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये अटैक क्या होगा, ये कहां से होगा। वो चारों तरफ देखने लगता है और फिर उसकी नजर आसमान में जाती है। वो आसमान में एक इनविजिबल शील्ड को उड़ते हुए देखता है। रेन तुरंत अपने अनकवर मैजिक का यूज करता है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है और ये लोग आसमान में एक विशालकाय लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन को उड़ता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर प्रिंस रेन बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि ये तो तबाही का ड्रैगन है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये ड्रैगन क्या तबाही मचाएगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।